पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं शमशेर सिंह गोगी के साथ कांग्रेस भवन हरियाणा सेक्टर 9 के अंदर। आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के उस त्रिमूर्ति ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे वो कुमारी शैलजा हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, या अगर कहा जाए किरण चौधरी हों। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें त्रिमूर्ति जो है, शैलजा, सुरजेवाला, किरण चौधरी, तीनों एक साथ। ये तो देखो कांग्रेस की है और बिल्कुल सही तरीके से जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेके सभी नेताओं ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका असर भी होगा। सीईटी के माध्यम से एक्सप्लॉइट करना नौजवानों को, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी की सरकार ऐसा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष, धड़ेबाजी तो कांग्रेस में सबको पता ही है, तो आज एक अगर कहा जाए कि तीन धड़े त्रिमूर्ति के रूप में नजर आए तो क्या कहेंगे? देखो ये सब कांग्रेस को मजबूत करने का अपना अपना तरीका है सबका, और ये सब मिलके चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस मजबूत हो और सत्ता जो है वो कांग्रेस सत्ता में आए और बीजेपी को यहाँ से भगाया जाए। उदय भान और हुड्डा ग्रुप का पूरी तरह नदारद रहना, वो कहीं और बिजी होंगे। पूरा बड़ा हरियाणा है, सब जगह अपने तरीके से काम हो रहा है। योगी जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, विधायक भी हैं संघ से, शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी, इन तीनों का इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक मायने क्या हैं? राजनीतिक मायने ये हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और सत्ता हथियाने का काम सभी नेता मिलजुल के कर रहे हैं। नेतृत्व को लेकर तो कहीं ना कहीं चौधरी को लेकर तो पारस्परिक विरोध, जब मेजोरिटी में आ जाएगी, पार्टी जीत जाएगी, तो उसके बाद हाईकमांड फैसला कर देगी भी सीईटी का किसके सिर बांधना है। सीईटी का मुद्दा जो है कितना अहम मुद्दा और कितना बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों भविष्य, लाखों बेरोजगारों का, नौजवानों का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोगी जी, आपको याद होगा कि हरियाणा को लाल मुक्त करने के लिए भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक मुहिम चलाई थी किसी ज़माने में, भजन लाल जब पावरफुल हुआ करते थे, तो उन दिनों में कर्नल राम सिंह जो है, चौधरी बीरेंद्र सिंह और ये पांच, शमशेर सिंह सुरजेवाला, इसी तरह पांच छः बड़े नेता इकट्ठे हुए थे। तो आज आज जिस तरह इन नेताओं का इकट्ठा होना, राजनीतिक मायने, इसके राजनीतिक मायने, तो जब चार राजनीतिक आदमी इकट्ठे होंगे तो राजनीतिक मायने तो रहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस के हक में इसको कैसे लाया जाए, उसके लिए संघर्ष हो रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, इसके बहुत बड़े बड़े मायने निकलेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं शमशेर सिंह गोगी, इशारों में कई बातें स्पष्ट रूप से संकेत देकर गए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।